विराट कोहली ने मैदान में दिखाया जूता, अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने इंस्टाग्राम में दिखाए तेवर। कल लखनऊ और आरसीबी के बीच एक मैच खेला गया जो क्रिकेट के लिहाज से तो बहुत ही निराशाजनक रहा, लेकिन सोशल मीडिया के लिए बहुत ही आग की चिंगारी की तरह रहा। जी हाँ, मैच के बाद कुछ ऐसा हुआ मैदान में जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। साल 2013 में कुछ ऐसा हुआ था, विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच एक तीखी नोकझोंक हुई थी जिसके बाद बाकी सपोर्ट स्टाफ और टीम के मेंबर ने उन्हें बचा लिया था। वही फिर से यानी 10 साल बाद साल 2023 में भी वही देखने को मिला, एक बार फिर से मैदान पर विराट कोहली और गौतम गंभीर भिड़ते हुए नजर आए। लेकिन इसके पीछे कौन है ये आपको बताता हूँ। इसके पीछे हैं अफगानिस्तान के एक युवा तेज गेंदबाज नवीन उल हक। आखिर कौन है नवीन हक, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा और कैसे हुई विराट कोहली से नवीन की लड़ाई और कैसे वो बढ़कर गौतम गंभीर तक पहुंच गई, सब आपको जानकारी दूंगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। पहले बात करते हैं नवीन उल हक की। नवीन उल हक आते हैं अफगानिस्तान से, हैं 50 लाख के बेस प्राइज में, लखनऊ सुपर जायंट्स अपने साथ जोड़ा है। इस बार 50 लाख का ये खिलाड़ी विराट कोहली से कैसे भिड़ गया ये आपको बताता हूँ। इसके तेवर हमेशा ही तीखे रहे हैं। पीएसएल खेलते भी मोहम्मद आमिर शाहिद अफरीदी से भी भिड़ गए हैं। उसके बाद काफ़ी तीखी ही नोकझोंक हुई थी, शाहिद अफरीदी ने काफ़ी कुछ कहा था। और इसके बाद जब एक बार श्रीलंका लीग खेल रहे तब थिसारा परेरा से भी भिड़ गए थे। कहीं ना कहीं लगातार इनकी जो एक टेंडेंसी है, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी तीखी है, मैदान पर रिएक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं उनका बिल्कुल सम्मान नहीं करते जो इनके पुराने रिकॉर्ड हैं। और वही भी कल भी देखने को मिला लखनऊ जब बल्लेबाजी कर रही थी 17वें ओवर में, कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। विराट कोहली स्टंप के पीछे से भागते हुए आए और कहीं ना कहीं दोनों के बीच आंखों से कुछ बातें हुई। विराट कोहली आगे आए और उन्होंने जूता उठाया और उससे मिट्टी निकालने लगे और कहीं ना कहीं उनका संकेत वो था कि मिट्टी देख लो या जूता देख लो। तो कहीं ना कहीं उसके बाद नवीन लगातार बहसबाजी करते रहे, लेकिन नवीन जब वापस आउट हो गए तो वापस पवेलियन लौट गए। फिर बारी आती है हाथ मिला ली, हैंडशेक के वक्त भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। विराट से जो खबरें आ रही हैं कि विराट हाथ मिलाने का प्रयास किए नवीन से, लेकिन नवीन ने उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहा और कोई इस पर विराट कोहली ने कुछ कहा जिस पर नवीन हक ने रिएक्ट किया। लेकिन इस दौरान मैक्सवेल और हर्षल पटेल ने दोनों को अलग कर दिया, लेकिन वो लड़ाई थमी नहीं। फिर ये मामला पहुंच गया गौतम गंभीर के पास। गौतम गंभीर पूरी बात को जानने के लिए आगे आए और कहीं ना कहीं विराट कोहली और काइले मेयर्स बात कर रहे थे। एक विजुअल देखिए आप, वे हमको दिखा रहे हैं जैसे, तो उसमें विराट कोहली को से काइले मेयर्स को गौतम गंभीर अलग कर देते हैं और कहते हैं चलिए बात करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर काफी तीखी बहस होती है, दोनों खिलाड़ी नजदीक आ जाते हैं, लेकिन इस दौरान विराट कोहली काफी शांत नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद ये मामला यही थमा नहीं, मामला शांत हो गया, केएल राहुल ने काफ़ी उस संभाल लिया। लेकिन इसके बाद ये मामला अगले दिन सोशल मीडिया पर जब छा गया, जी हाँ, विराट कोहली ने एक पोस्ट लिखी, उसमें कहा जो आप देखते हैं वो आपका नज़रिया होता है और जो आप पढ़ते हैं वो आपकी राय होती है। लेकिन इसके बाद इसके जवाब में कह सकते हैं तो फैंस लगातार यही कह रहे हैं कि नवीन ने जो अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाई वो विराट कोहली का जवाब है। नवीन उल हक ने लिखा कि जो जैसा चाहता है उसके साथ वही होता है और यही होना चाहिए। तो इसके बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से दोनों के बीच तकरार देखने को मिली। कहीं ना कहीं ये लड़ाई जब गौतम गंभीर और विराट कोहली की थी, अब इसमें नवीन उल हक सीधे फ्रंट पे आ चुके हैं। तो क्या लगता है, क्या नवीन ने जो कल किया वो सही था या विराट कोहली ने जो सही किया वो सही था? क्या आईपीएल को इससे नुकसान होगा? कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं। फिलहाल अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा। धन्यवाद।